हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अमित। और गाइस, आज देखिए हम आपके साथ यहाँ पे अपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस कवर किए थे उसको हम आज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस देखिए हम आपको यहाँ पर अपने टारगेट नौकरी पे हम आपको यहाँ पे मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराएंगे जिसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इवन हम सब कुछ शॉर्टकट में ही कराएंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अमित है और आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे स्टार एजुकेटर हूँ, वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप हमारे नाम से सर्च करेंगे अनअकैडमी तो हम वहाँ पे मिल जाएंगे। अमित कुमार गौतम मेरा नाम है, एंड देन आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए। आप यहाँ पे हमारे कोर्सेज देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट कोर्सेज कवर कर रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर्सेज आप जरूर देख डालिए और प्लीज़ फॉलो करना वहाँ पे मत भूलिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रखा है हमने। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए कि पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करिए, देन आफ्टर हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट अप्रोच बताएंगे कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को एग्जाम अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे सिखाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग किया है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, और दूसरा दो है 1/3 अपनी जो पूंजी का 9% के दर से, और फिर जो शेष रिमेनिंग 12% की दर से निवेश किया है ना, तो यहाँ पे निवेश किया होगा। तो क्या कह रहा है, उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट्स टोटल इनकम जो उसकी है ना, तो यहाँ पे हमें ब्याज दर बताना है, तो यहाँ पे हम उसकी इनकम मान लेते हैं 600 रुपीज़, ठीक है। और अब कंडीशन देखो यहाँ से क्या कह रहा है कि अपनी पूंजी का 1/2 मतलब कि हाफ, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 600 का 300 हो जाएगा ना, ये 300 हो गया। और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, और ये कितना कह रहा है कि है ना 10% के यहाँ से पोर्शन से कह रहा है ना, हाफ पूंजी यहाँ पे गया, और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर 1/3 भाग जो है, 1/3 भाग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना, कैसे, देखो 600 का डिवाइड बाई करेंगे 1/3 से, तो ये 3 × 6 हो जाएगा, तो कितना 200 होगा ना, तो 200 हमने कर दिया। और फिर रिमेनिंग कितना बचा, देखो ये 500 हो गया, 300 और 200 500 हो गया, बचा क्या, 100 बच गया यहाँ पे है ना, वही हम भाई देखो सेस है, सेस कितना 100 बचा, और इसको कितने 12.5% की दर से कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये है, देखो ये 12.5% की दर से है ना, तो ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, और ये 200 कितने 9% के हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, और ये 300 हमारा कितने से कर रहा है 10% से कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो 30 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये 30, 18 और 12 इनको जब प्लस कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60 रुपीज़ आ जाएगा है ना, 60 रुपीज़ आ जाएगा। तो हमें रेट बताना है ना, तो यहाँ पे रेट कैसे निकलेगा गाइस, देखिए यहाँ पे जो रिक्वायर रेट है देखो 60 रुपीज़ एंड डिवाइड बाई 600 और मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, अब ये हमारा देखो ये 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचा आपके पास 10%, और ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पे आपको सॉल्व कराया, जिसमें चीज़ों को बताया कि किस तरह से आप जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से आप हमारे सारे कोर्सेज आप हमारे अनअकैडमी पे जाके सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए गाइज आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर देखो हमें कितना दे रखा है, 768 दे रखा है। तो हमें धनराशि बतानी है, धनराशि मतलब यहाँ पे 100% की वैल्यू बतानी है, क्योंकि गाइज देखिए जो आपकी इनकम होगी धनराशि होगी वो तो आपकी 100% होगी ना, वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चीज़ों को सीखे समझिए कि किस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए आपको देखिए यहाँ पे 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर में 768 रुपये दे रखा है। तो गाइस देखिए सबसे पहले तो 8% हमें दे रखा है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो ये 8/100 हो जाएगा है ना, इसको अगर हम 4 से कटे करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2/25 हो जाएगा। अब देखो ये जो 25 है ना इसका स्क्वायर कर लें, क्योंकि हमें 2 वर्ष के लिए कह रहा है ना, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा धनराशि हो जाएगी, मूल धनराशि हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो 625 हमारा ये हो जाएगा, इसको यूनिट भी मान सकते हैं, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है फाइव फर्दर क्वेश्चन, क्योंकि धनराशि बताना है तो इसी की वैल्यू निकालनी। अब इससे हम यहाँ पर निकालते हैं, देखो पहला, देखो यहाँ पे कितना रेट से जा रहा, 8%, 8% का कितना हमने निकाला है 2/25, तो 2/25 करेंगे जब 625 का, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, और सेकेंड ईयर के लिए 2/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना। तो अब देखो गाइज, यहाँ से देखो ये जो सेकेंड ईयर है, इससे पहले भी तो एक ब्याज मिला, तो हमें क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, तो इस पर भी तो हमें मिलेगा कितना 2/25 से मिलेगा, तो कितना मिलेगा ये 4। और ये जो 4 आया है ना, ये SI और CI का अंतर होता है, है ना, और यही अंतर हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 768 रुपये। तो देखो ये मतलब यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 768, एंड देन यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 768 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 192 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या बताया था आपको, 625 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली कितना 192, तो 625 यूनिट की वैल्यू कैसे वो निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो 625 मल्टीप्लाई बाई 192, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये फर्दर आपका आंसर आ गया। तो देखा दोस्तों, ये था क्वेश्चंस का अप्रोच जो हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से सिखाते हैं चीज़ों को, है ना। इसी तरह आपको करना है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है कि किस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो प्लीज़ गाइस, है ना, चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसी तरह आप हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए जल्दी से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी पे हमें फॉलो कर लीजिए, है ना। वीडियो कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर रखा हमने। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब गाइस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करना करिए, देन आफ्टर आप हमारे शॉर्टकट को सीखे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन आपकी तरफ का कह रहा है, कोई निश्चित धनराशि पर क्या है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें देखो 1,261 रुपये दे रखा है, तो वह धनराशि बतानी है। तो देखो गाइज, हमें फिर से वह धनराशि बतानी है, है ना। तो अब चीज़ों को समझना, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, चीज़ों को पकड़िएगा ना, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम चीज़ों को आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई निश्चित धनराशि क्या है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है 1,261 रुपये। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो हमारा 5% रेट दे रखा है ना, तो 5% रेट दे रखा है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 5/100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 20 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये एक हमारा क्या इंटरेस्ट हो जाएगा, और अमाउंट कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है जो हमारा अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल के बनता है, ये तो आपको पता है बेसिक चीज़ें। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, एंड देन आफ्टर अमाउंट, ये मैंने अमाउंट लिख दिया। तो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर कितना है 20 है, अमाउंट कितना हो गया 21, सेकेंड ईयर कितना है 20 है प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो गया 21। तो यहाँ पे थर्ड ईयर भी देख लेते हैं, वही सेम प्रोसेस करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 21 कर देंगे, तो ये क्या करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा 8,000 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, 21 का क्यूब हमारा कितना होता है 9,261 होता है, है ना। अब देखो इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना होगा, इनके देखो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अमाउंट बन जा रहा है ना, तो जो इसका डिफरेंस होगा वो हमारा क्या ब्याज होगा, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना निकल रहा है 1,261 आ रहा है, है ना। और ये क्या है, ये हमारा क्या है इंटरेस्ट है, ब्याज है। तो गाइज देखो यहाँ पे कह भी रहा है ना, 5 वर्ष के लिए 5 वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 1,261 दे रखा है, और देखो हमने इसका डिफरेंस भी कितना निकाला है 1,261 यूनिट निकाला है, तो यहाँ से कितना 1,261 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना 1,261 डिवाइड बाई 1,261 करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि राशि क्या है, तो राशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब ये 8,000 की वैल्यू पूछा है या 8,000 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 8,000 यूनिट इक्वलेंट टू 1 मल्टीप्लाई बाई 8,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 रुपीज़। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। आप ये चीज़ें तो मैंने बताया है, बट आप इसको यहीं पे ही सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इतना टाइम थोड़ी ना कि ये सब आप लिखो, ऐसा कुछ नहीं, आप यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 1261 आया ये 1 यूनिट हो गया, और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्या 8000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। आई होप कि गाइस चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना। यही चीज़ें आपको करनी है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ों को हम यहाँ पे शॉर्टकट में सिखाते हैं, इसलिए आपसे ये चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत स्मार्ट वे में करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि क्या है, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से एक वर्ष के अंत में कितना हो जा रहा है, 7803 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि बतानी। देखिए फिर यहाँ पे वह धनराशि बताना है हमें, तो देखिए अर्धवार्षिक है ना, तो यहाँ पे मतलब क्या है, रेट क्या है, हाफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक के रेट कितना हमें दे रखा है, 4% दे रखा है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, 2% हो जाएगा ना गाइस। तो यहाँ पे देखो 2% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखो चीज़ों को समझना कि ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है इन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि ये चीज़ें आपके लिए ही हैं, है ना। अब चलिए यहाँ से देखो अर्धवार्षिक रेट हमारा 2% हो गया, तो 2% को देखो देखो जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो यहाँ से देखो आपका ये 1/50 आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। तो ये कितना है, ये हमारा प्रिंसिपल है, एक हमारा क्या है इंटरेस्ट है, एक हमारा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखो ये हमने प्रिंसिपल लिखा और ये हमारा अमाउंट, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 50 है, अमाउंट कितना हो जा रहा है 51 हो जा रहा है। ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर के लिए तो क्योंकि हमसे एक वर्ष के लिए कह रहा है ना, की जाती है यहाँ पे, एक वर्ष के लिए नहीं 2 वर्ष के लिए होगा क्वेश्चन कुछ, ठीक है गाइस, यहाँ पे 2 ईयर के लिए कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए ये आपका 50 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 हो जाएगा, और यहाँ पे 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2601 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 101 यूनिट, ठीक है, 101 यूनिट दे रखा है, है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पे देखिए हमें ये क्या दे रखा है कि 2 वर्ष के अंत में कितना, 7800 रुपये हो जाता है, मतलब कि हमें ये जो अमाउंट है ये हमें दे रखा है, मतलब कि 2601 बराबर हमें दे रखा है 7803, है ना। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 7803 डिवाइड बाई 2601, तो इसको कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमसे पूछा धनराशि, धनराशि मतलब कि हमसे ये 2500 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए सिंपल करेंगे, 2500 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो आपका 7500 आ जाएगा रुपीज़ आंसर, ठीक है। ये डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि हमें जो अमाउंट दे रखा है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। अगर SICA का डिफरेंस बोलता तो ये हम 101 लेते, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, है ना, समझ रहे होंगे, है ना गाइज। यही चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट रखती हैं आपके एग्जाम के लेवल पे, कि किस तरह से आपको चीज़ों करें, चीज़ों को हम यही चीज़ें हम आपको अपने टारगेट नौकरी के प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज़ें सिखाएंगे कि आपको एग्जाम को कितनी फास्ट और कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, बस सीधा अपने जो वैल्यू दी फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया और अपने आंसर्स पे आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आ गया गाइज आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या है, 2 वर्षों में क्या है 5832 रुपये हो जाती, तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए फिर यहाँ पे क्या है, वह धनराशि पूछ रहा है। तो देखो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना, 8% हमें वार्षिक दे रखा है ना, तो यहाँ पे देखो 8% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। ये पता है ना, देखो ये 25 क्या हमारा प्रिंसिपल है, 2 हमारा क्या इंटरेस्ट है, तो यहाँ से अमाउंट क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये 2 हमारा इंटरेस्ट मिला तो जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, तो 2 वर्षों में कह रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल हमारा फर्स्ट ईयर 25 है, अमाउंट कितना हो जा रहा है, 27 हो जाए, फिर यहाँ पे 25 और अमाउंट कितना हो जा रहा है, 27, तो इसको 25 का स्क्वायर तो हमें पता है 2500, सॉरी ये हमारा 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हमारा 625 होता है, 625 होता है, 27 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। देखो गाइज हमें यहाँ पे क्या क्या हो जाती है, मतलब कि ये वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 5832 दे रखा। तो देखो ये 729 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये हो जाए, तो गाइज यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 5832 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 8 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, 5000 आपका आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा हुआ राशि कितनी है, तो ये हमारा 5000 आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 50 का स्क्वायर था, ठीक है, 50 का स्क्वायर कितना हमारा, 2500 होता है, और यहाँ पे देखिए हमने 25 का किया, 625,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझिए, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्याज जब वार्षिक रूप से नियोजित हो तो 6,000 रुपये की राशि पर क्या है 10% की वार्षिक दर से 12.5, यहाँ पे 12.5 लिखा हुआ है, 12.5% यहाँ पे 12.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो गाइस, प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 6,000 दे रखा है ना, और यहाँ पे रेट हमें कितना दे रखा है, रेट हमें 10% दे रखा है, और टाइम ये हमें दे रखा है कितना, 1.5 साल दे रखा है, यहाँ पे हमारा 1/2 ईयर्स आ गया, ठीक है। तो गाइज देखो ये हमारा 6,000 हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हमारा रेट हमारा कितना है 10%, तो 10% पे कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा फर्स्ट ईयर, तो सेकेंड ईयर भी हमारा देखो यहाँ पे 600 हो जाएगा 10% से। अब देखो यहाँ पे हमें पीछे सेकेंड ईयर में देखो हमें क्या है, एक इंटरेस्ट और भी मिला है, तो इस पे भी तो हमें मिलेगा 10%, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 रुपये हो जाएगा यहाँ से। तो देखो हमसे यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो ये जो सेकेंड ईयर है ये जोड़ देंगे, ये सेकेंड ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 मंथ का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, ये हमारा क्या है 6 मंथ का है ना, नोट करिएगा। तो यहाँ से टोटल जो सीआई आ जाएगा, टोटल सीआई कितना है, क्योंकि देखो 1.5 वर्ष के लिए बोल रहा है ना, तो इसलिए हमने आधा निकाला है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 930 हो जाएगा, 660 और 330 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 930 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर है, क्योंकि ब्याज पूछा क्या होगा, तो 930 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके सो गाइस, कैसा लगा आपको ये सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट सर्च करके सेशन में बताइए, और आपको मैं और भी चीज़ें शॉर्टकट में चीज़ें यहाँ पे कराऊंगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है चीज़ों को, है ना। और आने वाले सेशन में हम आपको अपने ये लेक्चर एक एक घंटे के लेक्चर करेंगे, जिसमें हम आपके सभी टॉपिक कवर कर देंगे, जिसमें आपके मैथ्स के, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराएंगे, चीज़ों को सिखाएंगे। और प्लीज़ गाइज़, अभी तक आपने हमें अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से वहां पे हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में चीजें करा रहे हैं शॉर्टकट में, कि किस तरह से आपके एग्जाम अप्रोच हम वहां पे चीजों को करा रहे हैं स्मार्ट वे में। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर रखा है, तो वहां पे आके आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी, ठीक है। वेडनेसडे में हम आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरे टॉपिक हम कवर कर देंगे, सारे टॉपिक हम वहां पे कवर कर देंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे होगा क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।